नमस्कार, मेरा नाम अनिल डॉलर है और रिएक्ट वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के 13th वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्ट लाइफ साइकिल की जो अगली स्टेज होती है अपडेटिंग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिव्यू हम कर लेते हैं कि रिएक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें जनरली तीन फेज होते हैं, माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। तो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर अनमाउंटिंग्स की सारी फेजेस और जो भी मेथड्स यूज़ होती हैं वो हमने यूज़ करी थी। आज जो है हम अपडेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्ट अपडेटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि अपडेटिंग बेसिकली जो है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं कि ये क्या है। सो अ कंपोनेंट इज अपडेटेड वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द कंपोनेंट स्टेट्स एंड प्रॉप्स। यदि किसी भी कंपोनेंट की स्टेट्स व प्रॉप्स में कभी भी अगर आप परिवर्तन करते हैं, कोई भी चेंज करते हैं, तो बेसिकली कंपोनेंट अपडेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली कंपोनेंट जो है आपका अपडेट होगा। रिएक्ट हैज़ अ फाइव बिल्ट इन मैथड्स दैट गेट कॉल्ड इन दिस ऑर्डर व्हेन अ कंपोनेंट इज अपडेटेड। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि यदि कोई भी कंपोनेंट यदि अपडेट होता है, पहली बात तो अपडेट कब होगा वो हमें पॉइंट नोट डाउन करना है कि वो अपडेट तभी होगा। रिएक्ट का कोई भी कंपोनेंट अपडेट तब होगा जब हम उसकी स्टेट या प्रॉप्स में कुछ भी चेंज कर दो तो कंपोनेंट अपडेट होगा। ये पहला पॉइंट है। अब कंपोनेंट यदि अपडेट होता है तो ये जो पांच मेथड यहां सीक्वेंस में दे रखी है, स्टेप बाय स्टेप कॉल होगी। मतलब पॉइंट नंबर वन पर जो लिखी हुई है वो मेथड पहले कॉल होगी, फिर सेकंड वाली मेथड कॉल होगी, फिर थर्ड वाली मेथड कॉल होगी, फिर फोर्थ वाली मेथड कॉल होगी, फिर फिफ्थ वाली मेथड कॉल होगी। तो ये जो सीक्वेंस दे रखा है ये ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। द रेंडर मेथड इज रिक्वायर्ड will always be called, the other are optional and will be called if you define them. हमें अच्छी तरीके से पता है कि हम क्लास कंपोनेंट बनाते हैं तो एवरी क्लास कंपोनेंट मस्ट हैव अ रेंडर मेथड। इनमें से चाहे कोई मेथड आप यूज करो या ना करो, एक मेथड तो आपको थर्ड नंबर वाली आपको लेनी ही है, रेंडर मेथड। और रेंडर मेथड आप नहीं लेते हो तो आपके कंपोनेंट्स डॉम पे लोड ही नहीं होंगे, आपको एरर आ जाएगी, रिएक्ट काम ही नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी रेंडर मेथड तो आपको लेना ही है, ये कंपल्सरी है। और बाकी की ये चार जो मेथड्स हैं ये ऑप्शनल हैं, इनको आप नहीं भी लोगे तो भी आपका रिएक्ट एप्लीकेशन बंद नहीं होगा, आपका काम करेगा। यहां पर मैंने एक फ्लो डायग्राम बना रखा है, फ्लो ऑफ अपडेट मेथड्स, कि जब भी कोई कंपोनेंट अपडेट होता है, और कोई भी कंपोनेंट अपडेट कब होगा वो दो ही कंडीशन में अपडेट हो सकता है, या कंपोनेंट की पहला कंडीशन ये हो गया कंपोनेंट की स्टेट में चेंज कर दो, या कंपोनेंट के प्रॉप्स में चेंज कर दो। यदि कंपोनेंट के स्टेट्स या प्रॉप्स में यदि कोई भी परिवर्तन होता है तो कंपोनेंट अपडेट होगा, और कंपोनेंट अपडेट होगा तो ये जो पांच मेथड्स हैं ये स्टेप बाय स्टेप कॉल होगी। तो पॉइंट नंबर वन पर जो है फर्स्ट पोजीशन पे गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये पहले कॉल होगी। फिर कंपोनेंट शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड, ये सेकंड नंबर पे कॉल होगी। फिर रेंडर मेथड कॉल होगी, फिर गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, फिर कंपोनेंट डिड अपडेट। ये जो सीक्वेंस है ये इसी तरीके से कॉल होगा। अब इसमें से हमने गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, हमने इससे पहले माउंटिंग वाले फेज में देखा था कि इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है कि ये मेथड कब कॉल होती है, डॉम के रेंडर होने से पहले। ठीक है, ये हमें अच्छी तरीके से पता है कि ये रेंडर होने से पहले कॉल होती है और कंस्ट्रक्टर के बाद में कॉल होती है, गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। यहां पर आप देखिए कि इसके प्रीवियस स्लाइड में मैंने जो है डॉम रेंडर लिखा तो था, मगर ये नहीं लिखा कि कौन सी मेथड कॉल होती है। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कौन सी मेथड कॉल होती है? रेंडर मेथड। जैसे कंस्ट्रक्टर लोड कब होगा? जब कंस्ट्रक्टर की मेथड कॉल होगी। गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये खुद एक मेथड है, मगर डॉम रेंडर नाम की मेथड नहीं है, रेंडर नाम की मेथड है जो कि हमेशा कॉल होती है। जिस मेथड की हम बात कर रहे हैं ये कि डॉम रेंडर हो गया तो वो किसकी मदद से होता है? डॉम रेंडर मेथड की मदद से।
तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है रेंडर मेथड, जो कि डॉम को रेंडर करने के काम आता है। और हमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता है कि एक्चुअल में रिएक्ट में जो डॉम रेंडर होता है वो पहले वर्चुअल डॉम में मैनिपुलेशन करता है, और उसके बाद रिएक्ट जो है वो रियल डॉम पे रिफ्लेक्ट करता है। अब हम देखते हैं गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स के बारे में, हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये क्या है और इसको हम कैसे यूज करना है अपडेट्स के दौरान। सो गेट बैश हियर आपको स्टार्ट करना है। रिसेंटली अभी 5 मिनट पहले मैंने प्रोजेक्ट एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। यदि आपको पता नहीं है ब्लैंक प्रोजेक्ट्स कैसे क्रिएट करना है, तो आपको एक ही कमांड चलानी है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आपका प्रोजेक्ट का नाम। मेरा 13th वीडियो है इसलिए मेरे प्रोजेक्ट का नाम माई फर्स्ट रिएक्ट 13 नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल इस तरीके से हो जाएगा। लास्ट में अगर लिखा हुआ आ जाए हैप्पी हैकिंग, इसका मतलब प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल हो गया है तो आप ls कर सकते हैं। ls कमांड से क्या होता है कि आप उसकी लिस्ट देख सकते हैं, और अगर ls कमांड आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप dir कमांड यूज कर सकते हैं, दोनों ही कमांड सेम है। अब आपको किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो जैसे मान लीजिए मुझे 13th वाली डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए आप cd यूज करेंगे। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, cd स्पेस माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप, माय फर्स्ट रिएक्ट एंड 13 मैंने लिखा और टैब प्रेस कर दिया, उसके बाद इंटर किया। अब आप देखिए कि मेरे करंट डायरेक्टरी है वो अभी मैं यहां पर हूं, और आपको ये भी कुछ दिखाई दे रहा होगा मास्टर। सो बेसिकली ये मास्टर ये बता रहा है कि आपकी जो ये जो रिपोजिटरी है ये गिट इनिशियलाइज्ड है, ऑलरेडी गिट इनिशियलाइज्ड है। सो अब कुछ नहीं करना है आपको, कोड डॉट करके आप स्टार्ट कीजिए, और जो है किसी भी ब्लैंक प्रोजेक्ट को हमें स्टार्ट करते हैं तो हम एक ही काम करते हैं कि आप जाके अपने src फोल्डर को डिलीट कर दो। ये ब्लैंक प्रोजेक्ट है, इसको डिलीट कर दिया मैंने, और src में अभी कुछ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट फाइल हमें index.js बनानी है, ये हमारी एंट्री फाइल है, और इम्पोर्ट एरिया में डिफाइन कर दूँ। सबसे पहले इम्पोर्ट करना है रिएक्ट को, रिएक्ट डॉम ऑब्जेक्ट से मैं रेंडर मेथड को कॉल करवाऊंगा, और कॉल करते समय दो आर्ग्यूमेंट पास करना है, व्हाट कॉमा वेयर। वेयर हमें पता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर मुझे क्या देना है, रूट देना है। सो मैंने यहाँ पर रूट आईडी पास किया, ये रूट। और व्हाट हमें क्या पास करना है, हम एक क्लास कंपोनेंट बनाते हैं, लेट्स क्रिएट अ क्लास कंपोनेंट, लेट्स क्रिएट अ क्लास कंपोनेंट। हमें क्लास कंपोनेंट बनाना है, क्लास कंपोनेंट बनाया हमने जैसे कि ओके लैब्स हमने बनाया है, ओके लैब्स, और इसको एक्सटेंड किया मैंने कंपोनेंट से, कॉम्पो ये वाला, ये जो ऑरेंज में दिखेगा। और जैसे ही मैं इंटर करूंगा यहां आप देखना विजुअल कोड एडिटर ऑलरेडी उसको जो है बेसिकली इंपोर्ट कर लेगा, कर्ली ब्रेसेस में इंपोर्ट कर लिया उसको, एज अ डिफॉल्ट इंपोर्ट उसको कर लिया है, एज अ नेम्ड इंपोर्ट कर लिया है, कर्ली ब्रेसेस मतलब नेम्ड इंपोर्ट। और यहाँ से एक्सटेंड किया, और यहाँ से मैं ओके लैब्स को जो है इस ओके लैब्स कॉम्पोनेंट को इंजेक्ट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम यहाँ जो है सेल्फ क्लोज करेंगे। सेल्फ क्लोज करने में बेनिफिट ये है कि कम लाइन में कोड हो जाता है, इसलिए मैक्स टू मैक्स आप कोशिश करें सेल्फ क्लोज यूज़ करें। और जो है आप अपना प्रॉपर्टी एरिया डिफाइन कर दो, प्रॉपर्टी है, दूसरा हमारा कंस्ट्रक्टर है, तीसरा हमारा क्या है मेथड है, यहाँ मेथड्स आती हैं। सो मेथड में हमें ये हमेशा लिखना है एवरी एवरी क्लास कंपोनेंट मस्ट हैव अ रेंडर मेथड, हर क्लास कंपोनेंट के अंदर रेंडर मेथड कंपलसरी है, तो लिखना ही लिखना है। अगर ये नहीं लिखोगे तो रिएक्ट काम नहीं करेगा। और उसके बाद एवरी रेंडर मेथड मस्ट रिटर्न रिटर्न
HTML जिसको हम JSX कहते हैं, सो JSX जावास्क्रिप्ट XML रिटर्न करेगा ही करेगा। सो यहाँ पर मैंने रिटर्न किया और रिटर्न मुझे एक से ज़्यादा नेस्टेड कंपोनेंट्स को अगर रिटर्न करना है तो पैरेंथेसिस लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए मैं जो रिटर्न करूँगा वो मुझे एक डिव रिटर्न करना है, डिव के अंदर मेरा स्ट्रक्चर चलेगा। सो ये डिव रिटर्न किया और इस डिव को आप कुछ भी क्लास दे सकते हैं, और ये मैंने कुछ भी स्ट्रक्चर लिखा यहाँ पर। ठीक है, सो ये मैंने किया, बेसिकली इंजेक्ट किया और इसको रन करके देखते हैं। कंट्रोल और बैकटिक मैंने किया और NPM स्टार्ट करें आप। अभी सिर्फ मैं प्रोजेक्ट रन की कर रहा हूँ, मैं अभी उस मेथड के बारे में नहीं बता रहा हूँ जो कि हमें अपडेट फेज के अंदर हमें देखनी है। अभी सिर्फ प्रोजेक्ट को एक डिफॉल्ट लॉन्च करके बता रहा हूँ। ये बोल रहा है कि वुड यू लाइक टू रन द ऐप ऑन अनदर पोर्ट। सो ये कुछ ऐसा हो रहा होगा कि इंटरनली 3000 पोर्ट नंबर यूज़ हुआ होगा, तो रिएक्ट ने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि 3000 पोर्ट अभी यूज़ में आ रहा है, तो वो बोल रहा है कि आपको किसी दूसरे पोर्ट पे चला दें। तो हमने बोला यस, तो उसने अभी आज जो है एप्लीकेशन किस पोर्ट पे चला दी, 3001 पे चला दी, और ये हमारा डॉम जो है बेसिकली लोड हो गया है, और कॉम्पोनेंट जो मेरा क्लास कॉम्पोनेंट जो मैंने बनाया था वो सक्सेसफुली इंजेक्ट हो गया है। ठीक है, कुछ रिकॉल कर लेते हैं कि अगर एलिमेंट इंजेक्ट हुआ है, पेरेंट एलिमेंट आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? रिएक्ट डॉट सेगमेंट यूज कर सकते हैं, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट ये आपने यूज करना है। रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट किया। ये अभी हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं इससे पहले ही सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, अभी तक हमने कुछ नया नहीं पढ़ा है। सो आप देखिए यहाँ से जैसे ही मैंने इसको लोड किया, इसमें गए, अब देखिए वो डिव नहीं आ रहा है, पेरेंट डिव नहीं आ रहा है। अब हमें यहाँ पर समझना है गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। सो गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, आप रिएक्ट सेक्शन के अंदर जाना और उसका जो एग्जाम्पल सेक्शन है उसके अंदर जाना है लाइफ साइकिल के अंदर, और लाइफ साइकिल के अंदर गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स ऑलरेडी आपको माउंटिंग के अंदर मिलेगा, मगर आप अपडेटिंग के अंदर जाना और यहाँ पर ये सेक्शन दिया हुआ है गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। सो इसके अंदर लिखा हुआ है दिस स्टील्स द नेचुरल प्लेस टू सेट स्टेट ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इनिशियल प्रॉप्स। अगर आपके पास कोई इनिशियल प्रॉप्स है तो आप उनकी वैल्यू को सेट करवा सकते हो स्टेट्स के अंदर, और वो आप सेट करवा सकते हो गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स के अंदर। मतलब आपका व्यू रेंडर होने से पहले आपको जो है अपनी स्टेट्स ऑब्जेक्ट्स में वैल्यूज को चेंज करना है, ओवरराइट करना है, तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप इसके अंदर उसको कर सकते हो। अदरवाइज हम इसके अंदर भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हैं, मगर जनरली कंस्ट्रक्टर का काम इनिशियलाइज करना होता है, अपडेट करना नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टेट्स को हम क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करवाते हैं, मगर जो ऑलरेडी स्टोर हो गई उसको अपडेट करना है तो फिर वापस कंस्ट्रक्टर में नहीं जाऊंगा। कंस्ट्रक्टर की तरह ही एक स्पेशल मेथड है जिसका नाम गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स है, उसके अंदर आप वैल्यू को अपडेट करो। यहां पर कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टोरेज होगा, स्टोर करेंगे और गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स के अंदर उसको अपडेट कर रहे हैं। इस मेथड का स्पेशल काम है कि ये अपडेट करेगा, कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज स्टोर हो रही हैं और गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स के अंदर आप उन वैल्यूज को ओवरराइट कर रहे हो। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो आपके स्टेट पड़े हुए हैं उनको आप अपडेट करोगे बेसिकली। सो यहां पर देखते हैं इसी एग्जांपल को। ये मेरी रेंडर मेथड है और इस रेंडर मेथड में सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर लिख लें। सो मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा और हम कंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं, रन किया और फिर इसको रिफ्रेश किया तो कोई प्रॉब्लम है? इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अगर आप अपने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर लिख रहे हो तो ये सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना जरूरी है। इसका मतलब ये हो गया कि जो पेरेंट क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना जरूरी है। तो जावा स्क्रिप्ट में पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सुपर मेथड यूज करना है, जो कि मैंने कॉल करवा दिया, ये देखिए। और ये होता है कि यदि आप अपने कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स एज अ आर्ग्यूमेंट इस कंपोनेंट के अंदर पास कर रहे हो, तो जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पर कंपनी इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया ओके लैब्स, कंपनी इक्वल्स टू, मैंने डबल कोट्स में लिख दिया ओके लैब्स।
अब ये जो है बेसिकली इसको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने यूज करना भी बता रखा है कि जैसे कि हेडर के अंदर इन्होंने फेव कलर पास किया और ये एज अ प्रॉप्स है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर इन्होंने स्टेट्स रिसीव किया है, ठीक है, स्टेट्स इन्होंने इनिशियलाइज किया। सो स्टेट्स वाला एरिया भी आप यहां पर है, स्टेट्स के अंदर आप स्टेट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जनरली इस तरीके से लेते हैं। ये एक स्टेट होता ही होता है, किसी भी क्लास कंपोनेंट के अंदर स्टेट होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है। कंस्ट्रक्टर का काम है उस स्टेट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। सो यहां पर सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के तुरंत बाद पहले यहां मैं कमेंट लिख देता हूं, कॉल दी पेरेंट कंस्ट्रक्टर, और कैसे कॉल करेंगे, सुपर मेथड के द्वारा, और उसके अंदर द रोल ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट स्टेट है, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट। सो वी हैव अ स्टेट ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक स्टेट ऑब्जेक्ट है और उनकी प्रॉपर्टीज को या उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना। सो कैसे करेंगे, इनिशियलाइज दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, यहां पर देखिए इन्होंने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ले लिया। सो यहां पर ले लिया दिस डॉट स्टेट, अगर हम चाहें तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं, ये मैंने फेवरेट कलर लिया, सो ये फेवरेट कलर, और आप अपने मेथड के अंदर इसको कॉल करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कंपनी अगर पास किया है और मेरे स्टेट्स के अंदर फेवरेट कलर है तो इसको मैं आउटपुट देख सकता हूँ। इसको आउटपुट देखने के लिए यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेते हैं, चलो मैंने दी स्टेट हैव कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने लिखा है कि स्टेट के अंदर क्या है, दिस डॉट स्टेट डॉट फेवरेट कलर, दिस डॉट स्टेट डॉट फेवरेट कलर। सो इसको रन करके देखते हैं, द स्टेट हैव रेड, ये आ रहा है सक्सेसफुली, मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूं। अब इसके अंदर क्या है कि एक इन्होंने एक बटन लिया चेंज द कलर, और चेंज कलर करने के बाद उसके अंदर सेट स्टेट्स नाम की मेथड से उस वैल्यू को वो चेंज कर रहे हैं। सो यहाँ पर इन्होंने चेंज कर दिया। सो आप भी जो हैं एक मेथड ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बटन लिया, क्लिक मी, और रिफ्रेश किया, ये देखो क्लिक मी आ रहा है, ये बटन आ रहा है। अब क्लिक मी के बाद इन्होंने ऑन क्लिक जो लिया है, इससे पहले हमने देखे थे इवेंट्स देखे थे, तो इवेंट्स के अंदर जो है केमल केस के अंदर आपको एट्रीब्यूट लिखना है। सो बटन लिया, यहाँ पर सबसे पहला एट्रीब्यूट जो एचटीएमएल का एट्रीब्यूट है कि ये बटन बटन टाइप का है, दूसरा एट्रीब्यूट है ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक इक्वल्स टू जो है आपको कर्ली ब्रेसेस देना है। सो यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस दिया, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्लास के अंदर किसी भी मेंबर को आपको एक्सेस करना है, तो क्लास के अंदर मेरे पास कोई ना कोई मेथड होनी चाहिए जिससे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेथड है, वो मेथड किसी भी नाम से मेथड बना सकते हैं, जैसे मैंने अनिल नाम से एक मेथड बनाई, अनिल नाम से मेथड बनाई, उसको मैंने अलर्ट कर दिया। कभी भी जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको एग्जैक्टली हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, इट्स वर्किंग। सो ऑन क्लिक के अंदर मैं इस मेथड को कॉल करवा लूँ, तो इसको कैसे कॉल करवाएंगे, दिस डॉट अनिल पेरेंथिस स्टार्ट पेरेंथिस क्लोज नहीं लगाना है, इसके अंदर डायरेक्टली होता है दिस डॉट मेथड का नाम। सो यहाँ पर एक मेथड है, और इसको आप रिफ्रेश करें, ये देखो इट्स वर्किंग आ रहा है। अब इन्होंने क्या किया, फैट एरो यूज किया, मैंने क्या किया, फैट एरो यूज नहीं किया, नॉर्मल फंक्शन यूज किया। सो यहाँ पर एक और मेथड हम बना सकते हैं, जैसे कुछ भी ले लिया हमने, यहाँ पर हमने ले लिया अब इस मेथड को डॉलर एकेडमी में, इट्स वर्किंग अगेन, मैंने कॉपी किया यहाँ पेस्ट किया, इट वर्किंग अगेन, इट्स वर्किंग अगेन, और इसके अंदर मैंने इस मेथड को कॉल करवा दिया, इट्स वर्किंग अगेन, ये रिफ्रेश किया मैंने, इट्स वर्किंग अगेन आ रहा है। मगर इस मेथड को जो है
ये मेरा नॉर्मल फंक्शन है और इसको मैं फैट एरो के थ्रू बनाना चाह रहा हूं। तो फैट एरो में क्या होता है, सबसे पहले तो आप वेरिएबल ले लो, लेट डॉलर इन्फोटेक इज इक्वल टू एरो। अब यहां पर लेट यूज कर रहे हैं कि क्या यूज कर रहे हैं, कि लेट वेट यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली आप दे सकते हो ये, ठीक है। सो आई थिंक अभी भी काम हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ फैट एरो, फैट एरो ये ES6 के अंदर, ES6 के अंदर एक फीचर है, ES6 का एक फीचर है फैट एरो फंक्शन, ठीक है। फैट एरो फंक्शन आप बना सकते हो, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। सो आप देखना है यहां पर, ये रिफ्रेश किया और दो बटन बना लेते हैं, इसी को मैंने कॉपी किया और एक को अनिल कर देते हैं, क्लिक मी अगेन और रिफ्रेश किया, दो बटन बन गए, क्लिक मी और क्लिक मी अगेन। क्लिक मी पे यदि मैं क्लिक करूंगा तो नॉर्मल फंक्शन कॉल होगा, इट वर्किंग, इट्स वर्किंग, और क्लिक मी अगेन पे क्लिक करूंगा तब भी एक अलर्ट कॉल हो रहा है, इट्स वर्किंग अगेन, मगर दोनों जो है अलग अलग फंक्शन से कॉल हो रहे हैं। एक फंक्शन को मैंने नॉर्मल फंक्शन के थ्रू बनाया, दूसरे फंक्शन को मैंने फैट एरो नोटेशन के थ्रू बनाया, फैट एरो फंक्शन। सो यहाँ पर जो एक फंक्शन बना है डॉलर अकेडमी नाम से, जो मैंने बनाया है वो डॉलर अकेडमी एक फंक्शन है जिसको मैंने फैट एरो नोटेशन में बनाया है, काम वही कर रहा है, हे फंक्शन ही, ये भी आर्ग्यूमेंट रिसीव कर सकता है, ये भी आर्ग्यूमेंट रिसीव कर सकता है, ये भी आर्ग्यूमेंट रिसीव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर ऐसा कुछ करके देखें तो क्या होता है, क्या हम तो जो बेसिकली ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, अगर ये नहीं देते हैं तो कॉल नहीं होता है, देखो कॉल नहीं हुआ और पैरेंथेसिस लगा दिया तो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। तो ये इस तरीके से नहीं करना है, ये इन्होंने दिया हुआ है कि दिस डॉट मेथड का नाम और पैरेंथेसिस नहीं लगाना है, इससे क्या होगा पेज लोड होते ही वो मेथड कॉल नहीं होगी, ये देखो मेथड कॉल नहीं हो रही। अगर आपने दिस डॉट मेथड का नाम फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया और एप्लीकेशन को रीलोड करोगे तो देखो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, क्या मैंने क्लिक किया है, क्या नहीं किया है, ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। सो ये प्रैक्टिकल जैसे जैसे आप करते चलोगे आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरीके से हमें यूज करना है। सो यहाँ पर ये मैंने दो फंक्शन बना रखे हैं और उसके अंदर फिर अपने को ये देखना है कि गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स जो है एक मेथड है, वो स्टेटिक मेथड होती है, दो आर्गुमेंट रिसीव करने हैं प्रॉप्स और स्टेट, और वो करंट वैल्यू में चेंज कर देंगे। तो करंट वैल्यू क्या थी इनकी, येलो थी, और आपने पास करंट वैल्यू रेड थी कंस्ट्रक्टर के अंदर और आपने येलो से उसको ओवरराइट कर दिया और फिर देखते हैं क्या होता है। सो इसको मैंने एक्सपैंड किया। सो यहाँ पर ये मैं इसको फेव कलर लेता हूँ, फेवरेट कलर, और यहाँ पर भी मैंने येलो लिया, फेवरेट कलर क्या है, येलो है, और दिस स्टेट फेवरेट कलर रेड, और यहाँ पर फेवरेट कलर है। सो दिस डॉट स्टेट डॉट फेवरेट कलर, पहले तो देखते हैं कि फेवरेट कलर आ क्या रहा है। सो द स्टेट यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैंने लिख दिया माय फेवरेट कलर इज, माय फेवरेट कलर इज, माय फेवरेट कलर इज रेड। अभी मैंने कोई मैनिपुलेशन नहीं करी है, यहाँ पर आप देखिए कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एक स्टेट्स को सेट किया, इनिशियलाइज किया, और मेरा फेवरेट कलर मैंने क्या सेट कर दिया, रेड कर दिया, और उसी को मैंने जो है अपने ब्राउज़र के अंदर उसको डिस्प्ले करवा दिया, क्योंकि मेरा कंपोनेंट डॉम पे लोड हुआ और जो भी मेरे कंपोनेंट के अंदर स्टेट थी उसने वहाँ पर उसको प्लेस कर दिया। अब देखते हैं कि उसमें कुछ चेंज करना है तो ये चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने आपको स्पेसिफिकली बता रखा है कि रेंडर मेथड से पहले ये कॉल हो जाता है,
मतलब मैं चाहता हूं कि डॉम पे रेंडर होने से पहले मेरा डॉम पे मैसेज क्या प्रिंट हो रहा है, माय फेवरेट कलर इज रेड, और उस रेड से रेड को मुझे चेंज करके येलो करना है, तो जस्ट पहले आप इस मेथड के अंदर उसको चेंजेस कर सकते हो। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पर जाके जो आपको मेथड देनी है, स्टैटिक मेथड देनी है, ये स्टैटिक मेथड दिया, गेट अपडेट, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, सो गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, प्रॉप्स इस मेथड को लिया, ठीक है। और इस मेथड के अंदर आर्गुमेंट्स आपको रिसीव करने हैं, प्रॉप्स और स्टेट्स, सो प्रॉप्स और आपने लिखा स्टेट्स, प्रॉप्स और स्टेट्स आपने लिखा और वैल्यू को आप रिटर्न करवा दें, सो यहाँ पर मैंने वैल्यू को रिटर्न करवाया। तो फेवरेट कलर जो है प्रॉप्स की ये वैल्यू रिटर्न हुई, और अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। माय फेवरेट कलर इज येलो, देखना कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले रेड दिख रहा है और उसके तुरंत बाद येलो हो गया, वो स्टार्टिंग में जैसे ही मेरा डॉम रेंडर हो रहा है येलो ही दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे डॉम पर जब वैल्यू मेरे कंस्ट्रक्टर के अंदर थी रेड थी, यहाँ पर आते ही वो येलो हुई, और डॉम पे जब हमने उसको रेंडर किया एक्चुअल में तब वो येलो ही आया, माय फेवरेट कलर इज येलो ही आया, मैंने मैनिपुलेशन कर दिया। तो गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स का मेथड को हम कब यूटिलाइज कर सकते हैं, हम उस केस में उस इस मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं जब हमें पता है कि हमारे कंपोनेंट के अंदर कुछ डेटा है और उस डेटा को चेंज करके व्यू पर रेंडर करना है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं डेटा को डायरेक्टली डॉम पे रेंडर कर रहा हूँ और बाद में चेंज करना है, तो ये वो मेथड नहीं है। बाद में चेंज करने वाली मेथड अलग है जो हम आगे पढ़ेंगे, ये वो मेथड है कि भाई डेटा हमारे पास अवेलेबल है कॉम्पोनेंट के अंदर और उसको मुझे कहाँ प्लेस करना है, व्यू पे प्लेस करना है, मगर व्यू पे प्लेस करने से पहले मुझे उस डाटा में क्या करना है, कुछ चेंजेस करने हैं। तो ये परफेक्ट वो मेथड है जिसके अंदर आप वो चेंज करने का काम कर सकते हो बेसिकली। सो यहां से मैंने एक प्रॉप्स, प्रॉप्स जो है मैंने यहां पर एज अ आर्ग्यूमेंट इस कंपोनेंट के अंदर प्लेस किए, जैसे फंक्शन के अंदर होता है ना, फंक्शन के अंदर कॉलिंग करते समय आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो, डेफिनेशन के अंदर रिसीव करते हो, तो यहां पर भी क्या होता है, क्लास कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स होते हैं जिनको एज अ आर्ग्यूमेंट आप सेंड कर सकते हो और क्लास डेफिनेशन के अंदर आप उनको रिसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिसीव करने के लिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि जब भी आप प्रॉप्स भेज रहे हैं, जब भी आप कोई प्रॉप्स भेज रहे हैं किसी कंपोनेंट के अंदर, सो W3C ये कहता है कि आप कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉप्स को क्या करें, सबसे पहले रिसीव करें और उसी प्रॉप्स को आप अपने पेरेंट कंस्ट्रक्टर तक भी पहुंचा दें, ये W3C कहता है। मगर प्रैक्टिकली हमने करके देखा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने विदाउट प्रॉप्स के भी हमारा सक्सेसफुली असाइनमेंट हुआ था, बट हमें जो है प्रॉप्स को भेजना है पेरेंट कंस्ट्रक्टर तक भी। कंस्ट्रक्टर के अंदर रिसीव किया और कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने उसको सेंड किया। तो इस वाले ट्यूटोरियल के अंदर आपने देखा है कि जो हमारा मेथड है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, इस मेथड को आपको तब यूज करना है जब आपको व्यू पे डाटा भेजने से पहले उस डाटा में कुछ मैनिपुलेशन करना है, तो एक ही मेथड है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, क्योंकि ये वो मेथड है जो कि रेंडर मेथड से पहले कॉल होती है। यहां पर देखिए रेंडर मेथड से जस्ट पहले कौन कॉल हो रही है, सॉरी ये गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स ये मेथड कॉल हो रही है। तो यहां पर जितना भी डाटा चेंज करने का काम है वो मैं इस मेथड के अंदर करूंगा, उसके बाद मेरी रेंडर मेथड कॉल होगी। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसकी आगे की मेथड्स जो कि हैं शुड कंपोनेंट डिड अपडेट, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, कंपोनेंट डिड अपडेट्स, सो ये मेथड्स रहेंगी। धन्यवाद।